आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। विजयदशमी पर श्रद्धालुओं ने लगाया महंत योगी आदित्यनाथ को तिलक, योगी ने दिया सभी को आशीर्वाद। विजयदशमी पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर से निकली पारंपरिक भव्य विजय शोभा यात्रा, हजारों लोग हुए शामिल। विजय जुलूस का लोगों ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह किया स्वागत। श्री श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में आयोजित रामलीला में मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर ने किया प्रभु श्री राम का राज तिलक, राम दरबार की उतारी आरती, कहा प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की है जरूरत। कोतवाली थाना क्षेत्र के बख्शीपुर में जिला महिला अस्पताल की आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारी ने की आत्महत्या। 7 माह से वेतन न मिलने का जिला महिला अस्पताल की महिला कर्मचारी ने लगाया था आरोप। नवरात्रि पर महानगर के दुर्गावाड़ी में स्थापित मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन के दिन बंगाली समाज ने सिंदूर खेला के साथ दी मां की विदाई। सुहागिन महिलाओं ने लगाई एक दूसरे को सिंदूर। पेश है गोरखपुर न्यूज की रिपोर्टर पूजा वर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट पंकज विश्वकर्मा की विशेष रिपोर्ट। ऑपरेशन ठंड के तहत 25,000 के इनामी अभियुक्त रविंद्र निषाद को खजनी पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। एक स्कूटी, एक निर्वाचन कार्ड, 2 मोबाइल तथा 650 रुपए नकद किया बरामद, भेजा जेल। ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर दाऊदपुर स्थित स्कूल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री ने हैंड वॉश करके बच्चों को दिलाया स्वच्छता का शपथ। मुख्यमंत्री व महंत योगी आदित्यनाथ के विजय शोभा यात्रा का मुस्लिम समाज सहित अन्य लोगों ने किया भव्य स्वागत। पुष्प वर्षा के साथ योगी आदित्यनाथ का किया मल्यार्पण, भाव विभोर दिखे समर्थक। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 21 केंद्रों पर 1,257 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। प्रथम डोज लेने वालों में 388 और दूसरी डोज लेने वालों में 869 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। नवरात्रि के अवसर पर पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का धूमधाम से हुआ विसर्जन। नम आंखों से भक्तों ने की मां की विदाई। और बटघाट रामलीला कमेटी के तत्वाधान में आयोजित हुए रावण दहन का कार्यक्रम। प्रभु श्री राम ने किया रावण का दहन। जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा पूरा परिसर।